हेलो फ्रेंड, कैसे उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए कुछ नया ट्राई करते। आज मैं जा रही हूँ धान के लावा जो होते हैं उसके चूरा मिक्स भुजा बनाने, जो आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। थोड़ा सा मैंने पापड़ छान कर लिया है, थोड़े से नमकीन है। तो चलिए मैं सबसे पहले कम तेल में मैं इतना टेस्टी और यम्मी बना दूँगी जो आप महीनों तक इसे इंजॉय कर सकते हैं, खा सकते हैं। तो चलिए मैं इसमें पहले थोड़े से मिर्च डाल लेती हूँ, इसे आप इस तरह से चला लें। ठीक है, तेल गर्म हो चुके हैं, इसमें आप चूरे जो हैं उसको पूरे से डाल लें और इस तरह से इसे हल्के धीमी फ्लेम पे ही इसे अच्छे से भूने। मैंने चौड़ी पत्ती वाली चूरे लिए हैं जिसको काफ़ी क्रिस्पी और यम्मी होता है। इसी तरह से मैं इन सबको यहाँ लग गया है लवा है धान का, इन सबको भी मैं इसी तरह से भूनूँगी। इसे आप धीमी फ्लेम पर इसी तरह से भूनते रहें, हल्का सा गोल्डन होने लगा है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसे उतार लूँगी और अब मैं बिल्कुल रिफाइंड यूज ना करूँगी, एक एक से डेढ़ चम्मच में ही मैं इसे इतना टेस्टी और यम्मी बनाऊँगी कि आप लोग देखते ही बनाएंगे इसे। इस तरह से आप भी इसे बराबर से चलाते रहें, इस तरह से रहें। आप लोग चलाने से ही पता चल रहा है कि कितना क्रिस्पी और यम्मी होगा। मार्केट का आप लोग खाना छोड़ देंगे अगर इस तरह का आप लोग बनाएंगे। भून लिए हैं अच्छे से। सबसे पहले मैं धान का लावा जो होता है उसको मैंने इसमें डाल दिए, उसके बाद मेरे चूरे हैं कि आपको रखने से ही पता चल रहा होगा कि कितना ये टेस्टी और क्रिस्पी होगा। आप एक से दो महीने तक इसे आप एयरटाइट डब्बे में डाल करके स्टोर करके रख सकते हैं। अब मैं इसमें लहिया जो है इसे मैं ऐड कर लूँगी। बड़ा सा बर्तन ले, लगभग 250 ग्राम के लगभग लहिया है, 250 ग्राम के लगभग से ही मैंने सब कुछ लिया है। इसमें पूरे नहीं आ पाएंगे, मिलाने में नहीं बनेगा, इसलिए थोड़ा मैं अलग निकाल ले रही हूँ, फिर बाद में मैं इसे मिला लूँगी। तो आप देख सकते हैं चूल्हे को आप पहले इस तरह से देख, इस तरह से आप पूरे को मिला लें। इसमें मैंने यहाँ कुछ चिप्स रखी हैं, आप फ्राई करके छान करके इस तरह से इसे भी डाल लें। बहुत ही यम्मी और टेस्टी होगा ये। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ मैंने काली मिर्च को कूट लिया है, रोस्ट करके आप कूट ले इसी तरह से। बहुत ही टेस्टी और यम्मी फ्लेवर इसका आता है। इसमें नमकीन भी मैंने एक कटोरी नमकीन लिए हैं, मिक्स नमकीन है, इसे भी ऐड कर ले। इसमें एक चम्मच के लगभग एक से डेढ़ चम्मच नमक ऐड करें इस तरह से। और मैं कुछ और मसाले इसमें ऐड करूँगी, जैसे कि सूखा मिर्च, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक से डेढ़ चम्मच के लगभग सूखा मिर्च डालूँगी। अधिक ना डालें क्योंकि नमकीन में भी मिर्च है और काली मिर्च में भी तीखापन होता है। आमचूर पाउडर आप ऐड कर लें इसमें, बहुत ही टेस्ट अच्छा इसका लगता है। भुना हुआ जीरा भी आप इसमें ऐड कर लें। चाट मसाला अगर आपके पास हो तो वो भी डाल सकते हैं। अब सारे इन्ग्रीडियंट्स को आप इस तरह से मिक्स करके मिला लें इस तरह से, ऐसे से उसके नीचे करें तो ये अच्छे से सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो जाएंगे। बहुत टेस्टी और यम्मी बनता है। आप लोग भी इसी तरह का बनाएं और कैसा बना मुझे शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।